कच्चा चिट्ठा में आज बात अमेरिका के उस धोखे की जिसकी वजह से पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। बेलारूस ने यूक्रेन को साफ चेतावनी दी कि अगर अमेरिका के चक्कर में पड़कर युद्ध को और लंबा खींचा, ज्यादा खींचा, तो पुतिन यूक्रेन के 6 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे। लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हार रहा है यूक्रेन। अब लगभग साफ होता जा रहा है कि यूक्रेन रूस से बुरी तरह से जंग हार रहा है। नाटो के बाद अब बेलारूस ने भी यूक्रेन को धमकी और चेतावनी दी है कि अगर रूस के सामने सरेंडर नहीं किया या फिर शांति समझौता नहीं किया तो पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का जबरदस्त प्लान बना चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास अब इतने हथियार और बारूद भी नहीं बचा है कि वो रूस से अगले 60 दिनों तक जंग कर पाए। हम आपको बेलारूस से आई उस रिपोर्ट को दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। बाइडेन के बारूद ने यूक्रेन को दिया धोखा। बेलारूस तो यहां तक दावा कर रहा है कि यूक्रेन को बर्बाद और तबाह कराने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका ने घातक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ब्रैडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और हिमार्स रॉकेट को ऐसे पेश करके यूक्रेन को दिया है कि जैसे मानो यूक्रेन को ब्रह्मास्त्र मिल गए हों। हालात ये है कि रूस ने अपने तूफानी हमलों से यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के लगभग 35% और 20% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि अमेरिका का बारूद रूस के हमलों के सामने बुरादा बनकर रह गया है। बेलारूस का ऐलान, पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा। अब ये भी जान लीजिए कि बेलारूस की तरफ से यूक्रेन को क्या चेतावनी दी गई है। पुतिन के बेहद करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पहले ही कह चुके हैं कि रूस की किंजल और इस्कंदर मिसाइलें रूस में तैनात हो चुकी हैं, जबकि रूस के कई परमाणु बम और मिसाइलें किसी भी वक्त बेलारूस की तरफ से यूक्रेन और नाटो देशों पर हमला कर सकती है। नाटो भी जानता है कि रूस ने बेलारूस की तरफ से ट्रिपल अटैक का प्लान बना रखा है, इसीलिए नाटो के तेवर भी ढीले पड़ चुके हैं। 20 लाख करोड़ के हथियार देने के बाद भी यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस के खिलाफ फेल हो चुका है। पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्व इलाके में इस वक्त रूस की सेना यूक्रेन को रौंद रही है, बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर रही है। जरा देखिए बेलारूस ने जेलेंस्की को क्या चेतावनी दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा किया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि पुतिन का रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा है कि यूक्रेन अपना पूरा इलाका खो सकता है, रूस उस पर कब्जा करने जा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के चक्कर में पड़कर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और अगर यूक्रेन अमेरिका के पीछे इसी तरह चलता रहा तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा आसानी से कर लेगा। अमेरिका यूक्रेन को रूस से नहीं बचा पाएगा। अभी रूस यूक्रेन के 1,10,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने का दावा कर चुका है, जबकि आने वाले दिनों में वो पूरे यूक्रेन यानी 6 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लेगा। 6 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हार रहा है यूक्रेन। बेलारूस की तरफ से रूस ना सिर्फ यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है बल्कि पोलैंड पर भी भयानक हमले की तैयारी हो चुकी है। 17 महीने से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह किया है। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत मरिंका में सबसे ज्यादा भयानक जंग हो रही है। इसके अलावा लीवन, अवदीविका, चेरनी, ज़ापोरोजिया, डोनेस, खेरसोन, खार्किव, सुमय और डॉनबास में 9 मई से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 2600 से ज्यादा हमले किए हैं। इधर यूक्रेन ने भी नाटो से मिले हथियारों के दम पर रूस पर जमकर पलटवार शुरू किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन रूसी कमांड सेंटर और नियंत्रण केंद्रों को निशाना बना रहा है। जरा देखिए यूक्रेन ने पिछले एक हफ्ते में कहां पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं।
पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कमांडरों के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 1500 किलोमीटर इलाके में भयानक काउंटर अटैक किए हैं। यूक्रेन की सेना दक्षिण में खेरसोन प्रांत से लेकर पूर्व में लुहांस और डोनेस्क इलाकों तक हमले कर रही है। यूक्रेन की सेना ड्रोन हमलों से अक्सर रात में रूस के तोपखाने और रॉकेट आर्मी पर हमले कर रही है। इसके अलावा रूस के बख्तरबंद वाहनों पर भी यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 48 घंटे में उसने रूस के 58 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह कर डाला है। Триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів ракети Іскандер проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким. Байден के बारूद में यूक्रेन को दिया धोखा। हकीकत में यूक्रेन की भीषण तबाही के लिए रूस और बेलारूस अमेरिका को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने यूक्रेन को यह समझा दिया कि नाटो के घातक हथियारों से रूस को आसानी से हराया जा सकता है। रूस को 2023 के अंत में जंग हराने का दावा करने वाले जेलेंस्की को पिछले 24 घंटे में हुए ट्रिपल अटैक ने हिलाकर रख दिया है। रूस का ये ट्रिपल अटैक इस वक्त पश्चिमी मीडिया में रूस के बिजली युद्ध के नाम से कोहराम मचा रहा है। जरा देखिए रूस ने ट्रिपल अटैक से कैसे कीव को खंडहर बना दिया है। रूस के हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के काउंटर अटैक शुरू होने के बाद से भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त कीव पर एक घंटे के अंदर रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन और रॉकेटों से एक साथ हमले हो रहे हैं। एक साथ ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के ट्रिपल अटैक को कीव का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कीव में अगस्त महीने का 10वां सबसे बड़ा हमला हुआ है और भारी तबाही हुई है। बेलारूस का ऐलान, पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा। 9 मई से लेकर अब तक यूक्रेन पर रूस KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइलों से भयानक हमले कर रहा है। यहां तक रूस की S-300 मिसाइलों से रूस ने कम से कम पूर्वी यूक्रेन में पिछले 7 दिनों में 300 से ज्यादा हमले किए हैं। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स रूस की फायर पावर को देखकर हैरान है। TOS-1A जैसे रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों के शरीर जलाकर कोयला बना रहे हैं। हालात ये हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक मार करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों को खाइयों और बंकरों में जलाकर मार रहा है। बाइडेन के बारूद ने यूक्रेन को दिया धोखा। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб. 70 साल के पुतिन ने अपने देवरों से न सिर्फ यूक्रेन को दहला रखा है, बल्कि अब तो नाटो भी रूस पर काउंटर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसके पीछे की कई वजह बता रहे हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन पर 8000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है। पिछले 17 महीनों में रूस ने सोलेदार के बाद बखमूत में यूक्रेन का धुआं निकाल कर रख दिया है। पिछले 3 महीने से रूस ने कीव पर 800 से ज्यादा बड़े हवाई हमले किए हैं, जबकि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को कीव में तबाह कर डाला है। रूस के 500 से ज्यादा तूफानी हमलों ने यूक्रेन के काउंटर अटैक की हवा निकाल कर रख दी है। मरते और हांफते यूक्रेन की तस्वीरों को देखकर 31 देशों से बना नाटो भी कांपने लगा है। 6,00,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हार रहा है यूक्रेन। युद्ध हथियारों से नहीं, हिम्मत से जीते जाते हैं। कुछ इसी तरह का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो देशों की मीटिंग में किया करते हैं और दावा करते हैं कि 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस के लिए काल बन चुका है। जेलेंस्की के इन्हीं दावों और तेवरों को देखकर नाटो की तरफ से लगभग 500 टैंक यूक्रेन को दिए गए, जिसमें जर्मनी का लैपर्ड 2 टैंक सबसे ज्यादा जंग में यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटेन का चैलेंजर 2 भी जंग में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस ने दावा किया है नाटो देश जर्मनी की तरफ से दिए गए आधे से ज्यादा लैपर्ड 2 टैंक को रूसी सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया है।
लेपर्ड 2 टैंक का तबाह होना नेटो के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इधर अमेरिका के हिमार्स रॉकेट पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के तबाह होने से अमेरिका भी बैकफुट पर आने लगा है। नेटो के 30% हथियार रूस ने तबाह कर दिए हैं, जबकि यूक्रेन के 31% हथियार कारखाने में मरम्मत करा रहे हैं। ऐसे हालात में अगर यूक्रेन रूस से अगले 2 महीने तक और जंग करता है तो पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा।